राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में स्थित एक बिल्डिंग के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद बिल्डिंग में लगे मीटर में हुआ शॉर्ट सर्किट, जिसके बाद बिल्डिंग के बेसमेंट में खड़ी 4 कार, 2 स्कूटी और 8 बाइक में लगी आग। आग में जलकर राख हुई सभी गाड़ियां। दमकल की गाड़ी 1 घंटे देरी से पहुंची, तब तक खाक हो चुकी थी सभी गाड़ियां। लोगों का कहना है कि दमकल को फोन लगाते रहे लेकिन नहीं लगी कॉल। जैसे तैसे बाद में कनेक्ट हुई थी कॉल। वहीं बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने बिल्डिंग की छत पर चढ़कर बचाई अपनी जान। बिल्डिंग में रहते हैं 12 परिवार। घटना है ये रात 11:30 बजे घटना है। करीब तेज धमाके के साथ अचानक आग लग गई और इसमें करीब 4 गाड़ियां हैं और 12-14 बाइकें हैं और साइकिलें हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर बिल्डिंग तक गई। सभी परिवार फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से दूसरी बिल्डिंग से कूद कर जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई है। काफ़ी देर तक तो फोन मिला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला तो फायर ब्रिगेड भी फिर भी काफ़ी लेट पहुँची है, जिसके कारण जो है सारा नुकसान हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। बड़ी मुश्किल से लोगों की जान बची है। इस तरह से पूरी तरह से फायर ब्रिगेड की कमी आ रही है, लापरवाही रही है।